एक्सरसाइज 3.4 देखिए, मैट्रिक्स क्लास 12। यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। तो 1 से लेके 17 तक के जो क्वेश्चंस हैं, तो यहां पे आपको इनवर्स फाइंड करना है, और यहां पे कंडीशन भी आपसे कहा गया है कि इफ इट इज इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट है तब। ठीक है, अब देखिए किस तरह से करेंगे इसको। अब यहां पे देखिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, कि ये ए दिया हुआ था, इनवर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या है, ए इनवर्स है, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब जैसे आता है कि एग्जिस्ट है या नहीं है, अब देखिए ध्यान से, ये नल मैट्रिक्स है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि देखिए अगर क्या होता है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 0 है, अगर ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, कोई सी दो रो R1 या R2 अगर 0 0 है, या C1 और C2 0 0 है, तो वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 × 3 माइनस दिस, इस तरह से। तो अगर आप 1 × 3 करेंगे 3 और माइनस करेंगे, देखिए 1 × 3 माइनस 2 × -1, तो ये हो गया 3 + 2 = 5। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एग्जिस्ट है ये। अगर यहां पे 0 आ जाता है, तो 0 आएगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना ही नहीं है। जब हमारा एग्जिस्ट है ही नहीं इनवर्स, तो हमें सॉल्व ही नहीं करना होगा। तो सबसे इजी तरीका यह है कि दिस इंटू दिस 1 × 3 माइनस 2 × -1, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया कि आ गया 5 आ गया, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स है ये, तो ये नॉन जीरो जब कहलाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अगर 0 आ जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद में A = IA, एक कंडीशन ये लगेगी। ठीक है, इसे अभी बताएंगे, जब सॉल्व होगा तभी आपको क्लियर होगा। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होगा। सेम ऑर्डर का मीन्स क्या हुआ, सेम ऑर्डर का मीन्स ये है कि यहाँ पे जो आपको 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो आई की जो मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी, आपकी 2 by 2 होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू है 1 - 2, 2 and 3, ये हमने ए की जगह पुट कर दिया, इक्वल टू लगाया। अब यहां पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, तो 0 1 ये हो गया, और यहां पे क्या आ गया, आपका ए आ गया। अब हमें इसे करना है, यहां पे क्या दिया हुआ था, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या चीज होता है, ठीक है, हम यहां पे ऑपरेशन करेंगे, कुछ रो में कर सकते हैं या कॉलम में करेंगे, एक क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन में रो और कॉलम दोनों का हम यूज कर दें। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये जो मैट्रिक्स यहां पे है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, ऑपरेशन होगा दोनों साइड में होगा। अब देखिए यहां पे 1 है, ठीक है, और एक मिनट, ये यहां पे 1 - 1, 2 and 3 क्वेश्चन चेक कर लें, 1 - 1, 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर नहीं आएगा। अब देखे ध्यान से, 1 - 1 है, 2 3 है, तो ये 1 है, ये 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें ए को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है। अब ये यहाँ पे क्या है, आपका 2 है, तो इस 2 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें जो करना है R2 में ऑपरेशन करना है। ठीक है, और R2 जो है वो 0 कब आएगा, जब इसमें से 2 माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, R2 - 2R1 कर देते हैं, R2 - 2R1। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन हो रहा है R2 में, तो जो R1 है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। अब R2 कितना है आपका, 2। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप इसे रफ में कर सकते हैं, रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, R2 कितना है, 2 माइनस 2R1, 2 बन जाए कितना हो गया, 2 2R1, तो ये आपका 0 आ जाता है इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3
आर टू कितना था 3 और माइनस लगाया आपने 2 और आर वन कितना है आपका माइनस वन है तो ये होगा 3 और ये होगा प्लस 2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है सेम ऑपरेशन आपका यहाँ पे होगा तो फर्स्ट रो को तो आप एज इट इज नोट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना आ रहा है आपका 0 आर टू कितना है आपका 0 है माइनस क्या करेंगे 2 आर वन तो ये हो गया आपका माइनस 2 तो ये आ गया माइनस 2। अब यहाँ पे आ जाइए तो ये है आपका आर टू कितना है फिर यहाँ पे वैल्यू रखना है आर टू कितना है 1 माइनस 2 आर वन तो 2 आर वन कितना है आपका 0 तो ये कितना हो गया 1 बचेगा क्योंकि 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 तो ये आ गया आपका 1 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ए लिख दिया। तो ये चीज जो थी आपकी रफ में आप करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक इक्वेशन बन गई आपकी आर टू माइनस आर वन। ठीक है तो आर टू क्या था हमारा 2 था तो हमने 2 लिखा माइनस 2 × r1 कितना था ये तो इसके साथ ये एलिमेंट आएगा इसके साथ ये एलिमेंट आएगा कोई इधर उधर मत कर दीजिएगा ये बन गया। अब हमें इसको क्या लाना है यहां पे ये 0 आ गया देखिए ये 1 था 0 था अब इसे हमें 1 लाना है तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे इसे 5 से डिवाइड करेंगे ना क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का क्या होगा आपका ये आर टू में आ रहा है ये रो कौन सी है हमारी आर टू है तो ये रो का ध्यान रखेगा तो आर टू को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं 1/5 r क्या करा 1/5 r2 आर टू को आप 1/5 से इंटू कर दीजिए तो जब इंटू करेंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा 1 क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लाना है 1 लेके आना था। ठीक है मतलब इस मैट्रिक्स को हम क्या बना रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। फिर आर टू में ऑपरेशन हो रहा है तो जो ये आर वन है ये सेम रहेगा आपका ये हो गया 0 और ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट रो को एज इट इज यहाँ पे कर दीजिए जब यहाँ पे 1/5 करोगे आप तो आर टू कितना है माइनस 2 है और ये है 1/5 तो ये हो जाएगा -2/5। ओके इसको हमने क्या करा माइनस 2 था 1/5 और आर टू की जगह हमने क्या लिखा माइनस 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया -2/5। अब यहाँ पे आइए यहाँ पे 1/5 इंटू क्या है 1 है तो ये आ जाएगा आपका 1/5 और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 1। अब देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स थी आपकी तो ये क्या आ गई यहां तक 1 आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है 0 लाना है क्या लाना है यहाँ पे 0 तो जब 0 आएगा तो हो जाएगा ना 1 0 1 0 तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसको देखिए 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे ये चीज हमारा स्टैंडर्ड आ गया ये भी स्टैंडर्ड है तो इसको हमें क्या करना है चेंज करना है चेंज करने का मतलब ये आर वन का एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ आर वन तो ऑपरेशन जो होगा वो किस में होगा आपका आर वन में होगा और R1 को हम क्या कर सकते हैं R1 प्लस R2 कर दीजिए आप जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 जब इनको ऐड करेंगे 0 1 1 1 प्लस माइनस 1 तो ये 0 हो गया और R2 आपका इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है अब इसके बाद में आ जाएगी आप इक्वल टू सेम थिंग यहाँ पे है आर वन प्लस आर टू तो आपको क्या करना है 1 एंड -2/5 को ऐड करना है ये तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। आपको यहाँ पे भी देखना है कि अब इन दोनों को आप ऐड करिए तो 5 बन जा कितना होगा 5 और -2/5 इट मीन्स ये हो गया 3/5 तो जब हमने इसको ऐड करा तो यहाँ पे कितना आया आपका 3/5 आ गया प्लस इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका 1/5 आ जाएगा। ऑपरेशन किसमें हो रहा था आर वन में हो रहा था तो आर वन हमारा कन्वर्ट हो गया कि इसको हमने करा तो क्या करा था 1 प्लस -2/5 ये ऐड करा था क्योंकि यहाँ पे प्लस है 5 बन जा 5 और -2/5 तो ये कितना हो गया आपका सॉरी ये हुआ आपका 5 बन जा 5 और -2 तो ये हाँ ठीक है तो ये कितना हो गया 3/5 आ गया आपका। अब इसे हमने ऐड करा तो ये 1/5 आ गया ये 2/5 और 1/5
ठीक है, ये इसी तरह है आपका, ये आ गया। और यहां पे हमने क्या लिख दिया, ए। यहां पे देखिए हमने क्या बताया था कि ये वाली मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी बन जानी चाहिए, और आइडेंटिटी बन गई है। अब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी, आई इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए। अब जरा इसे कंपेयर कीजिए, ये आई है, ये ए आ गया आपका, तो इनवर्स की जगह यहां पर कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है आपको, ये वाली। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि ए इनवर्स जो है वो हो गई आपकी 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। तो ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स एक फाइंड हो जाती है। अब इसका आप आंसर पहले टैली कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 3.4, 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, ये आपको मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, आपको इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया था एग्जिस्ट है तब फाइंड करना है, तो एग्जिस्ट के लिए हमने क्या बताया था, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट है, और नॉन जीरो है तो वो एग्जिस्ट होती है। ठीक है, फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ए इक्वल टू आई है, तो ए ये आ गया, आई ये आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए यहाँ पे लिख दिया। अब इसको ऑपरेट करके हमें क्या करना है, हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, 1 0 0 1। तो वही हम कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे ला रहे थे कि ये हमारी आई बन जाएगी। जब ये आई में आ जाएगी, और ऑपरेशन बोथ साइड होने हैं, सिंगल साइड मत कर दीजिएगा, जब यहाँ पे आई होगा उस समय ए के साथ जो भी मैट्रिक्स होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। ये तो आपको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। इसके बाद जो भी होगा आपके पास में जो मैट्रिक्स आएगी अगले क्वेश्चन में, तो उसमें आपको 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी, तो 2/2 की भी मैट्रिक्स आपके सामने आ सकती है, और 1/3/3 की भी आती है। तो इसका एक फंडा होता है कि आप हमेशा यू में चलेंगे इस तरह से। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3/3 की मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी तरह तो होगी। तो आपको सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर इसे 0, फिर इसे 0, फिर 0, फिर 1, उसके बाद ये आपका क्या आएगा, 0 0, तब आप इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा आपको यू शेप में ही जब करेंगे तो आपका आंसर हमेशा इजीली आता जाएगा। ओके, तो इट इज योर आंसर, क्लियर।